वीडियो में हम वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच डिफरेंस करना सीखेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता। जी हाँ दोस्तों, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद आपको वो क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट होके जाएगा, बिल्कुल सही होगा, जो आपको सिलेक्शन दिलाने में आपकी पूरी मदद करेगा। चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए बताते हैं क्या होता है वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। को बताने से पहले एक छोटा सा इंट्रो दूंगा। ये वीडियो याद रखना, मैंने उनके लिए ही बनाई है जो जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्लियर करना चाहते हैं। तो देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूं। एक एटम होता है जिसको आप हिंदी में बोले तो परमाणु बोलते हैं। याद रखना इस चीज को, शायद आपको पता हो, परमाणु तीन चीजों से मिलकर बना होता है। यानी कि परमाणु एक कण होता है जो छोटे छोटे तीन कणों से मिलकर बना होता है, जिसे प्रोटॉन बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन, और दूसरा क्या होता है प्रोटॉन। हिंदी में भी और इंग्लिश में भी नाम यही है, तो मैं इसलिए इंग्लिश में लिख रहा हूं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों मिलकर के एटम को बनाते हैं गोल। कैसा बना देते हैं गोल, जिसके अंदर सेंटर में बैठा होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है आपका इलेक्ट्रॉन। मेरे ख्याल से क्लियर होगी बात। परमाणु एक छोटा सा कण जिसको बनाने में और छोटे छोटे कण तीन की मदद मिली, तीनों ने मिलकर बनाया, जिसको हमने क्या कहा, एक परमाणु का नाम, जहां पर सेंटर में बैठ गए आकर के प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ने लगाया चक्कर। जहां पे चक्कर लगा रहा होता है इसको बोलते हैं कक्ष। क्या बोलते हैं कक्ष, और इंग्लिश वाले बोलेंगे इसको शेल। क्या बोलेंगे, कक्ष और सेल, सही है। अगर मैं अपनी साधारण और बहुत देशी भाषा में बोलूं तो इसको हम बोलेंगे छल्ला। क्या बोलेंगे, छल्ला, यानी कि छल्ले में घूमेंगे इलेक्ट्रॉन, और ये हर छल्ले में, यानी कि एक छल्ला नहीं होता, कई सारे होते हैं। जैसे यहाँ देखो, एक दो तीन, हर जगह घूमता है। पहला छल्ला ये हो गया, दूसरा छल्ला ये हो गया, तीसरा छल्ला ये। हिंदी में बोले तो इसको बोलेंगे कक्ष, यानी कि पहले कक्ष में घूमेगा, कक्ष नंबर वन, कक्ष नंबर टू और कक्ष नंबर थ्री। और हिंदी में बोलते हैं कक्ष, और इंग्लिश में बोले तो इसी को आप बोलेंगे शेल, शेल नंबर वन, शेल नंबर टू और शेल नंबर थ्री। इन शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ये इसलिए बताया क्योंकि आपका बेस एक बार तगड़ा हो गया यहाँ से थोड़ा सा, तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा। डीप में नहीं, बिल्कुल नॉर्मल रखूंगा, और क्वेश्चन को ही खत्म करने के लिए वीडियो है। तो ये आ गया समझ में कि परमाणु होता है तीन चीजों से मिलकर बनता है, दो कण तो बैठते हैं यहाँ पे, और एक कण इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। जहां पे चक्कर लगाएगा उसे कक्ष बोलेंगे, इंग्लिश में शेल बोलेंगे, और अपनी देशी भाषा में बोलेंगे छल्ला, यानी कि छल्ले में घूमता है रिंग। क्लियर हो गया, तो चलिए आइए। और छल्ले क्या होंगे, बहुत सारे अनगिनत होते हैं किसी भी एटम के अंदर। ये देखो, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और फिर मैं एक और ले लिया, तीसरा हो गया, ये मैंने तीन ले लिए, एक और ले लिए मैंने, ये चार हो गया ना, चार। अब क्या होता है, एक बात आपको दिमाग में याद रखनी है, अगर ये पहला कक्ष है जो जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन ही घूम सकते हैं। कितने घूम सकते हैं, दो, और यहाँ पे घूम सकते हैं मैक्सिमम आठ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद आपको एक नंबर याद रखना है, वैसे तो हम ये चलते हैं दो आठ अट्ठारह, ऐसे चलते हैं दो आठ और अट्ठारह ये, लेकिन आपको ये नहीं रखना, बस ये रखना पहले में दो, दूसरे में आठ, और इसके बाद सभी जगह आठ आठ, इसमें भी आठ घूमेंगे, अगले छल्ले में भी आठ, अगले छल्ले में भी आठ। गलत नहीं है ये मैं सिर्फ जॉब ओरिएंटेशन के रिजल्ट ओरिएंटेड ये बता रहा हूं मैं आपको, कि रिजल्ट आएगा इससे आपको वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद करने में मदद मिलेगी। बाकी है तो बहुत डीप में ये चीजें, ठीक है, ज्यादा डीप में नहीं ले जाऊंगा। सीधा याद रखेंगे कि हर छल्ले में, पहले छल्ले में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन याद रखेंगे। मैक्सिमम फर्स्ट में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दो। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन सेकंड में कितने रहेंगे, आठ। इसके बाद आप हर में मैक्सिमम कितने लेके चलेंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आठ आठ ही। जैसे मान लो मैंने सोडियम लिख दिया, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, यानी कि सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11। अब इन्हें बांटेंगे, बांटो इन्हें, चलो बांटो। पहले में कितने बटेंगे, दो, पहले छल्ले यानी कि पहले कक्ष में, दूसरे में बटेंगे आठ, टोटल हो गए 10। दोनों का जोड़ कितना हो गया, 10, बच गया एक। अगले में कितने डलेंगे, एक, याद रखना इस चीज को, पहले छल्ले में दो, अगले में आठ और फिर जाएंगे एक, जिन्हें हम कक्ष बोलते हैं यानी शेल बोलते हैं। पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन, अगले शेल में मैक्सिमम आठ इलेक्ट्रॉन, उससे अगले शेल में भी मैक्सिमम आठ इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमारे पास 11 थे, 10 यहाँ आ गए और 11वां इलेक्ट्रॉन ये रहा, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन हमारे हो गए। ये आ गया ना बांटना, एक बार और सीखो। चलो मैग्नीशियम ले लिया, मैग्नीशियम का 12 होता है, फिर से पहले शेल में आ गया 2, अगले कक्ष में 8, फिर आ गया 2, सही बात है, क्योंकि पहले में 2 आएंगे, अगले में मैक्सिमम 8 आ सकते थे, यहां तक 10 हो गया हमारा, बच गया 2 इलेक्ट्रॉन, वो यहां डाल दे, टोटल 12 और यहां भी 12, डन है। याद रखोगे, अगर मैं ये बनाऊं, ये पहले में 2 आ गए, फिर अगले में कितने आए 8, फिर अगले में कितने आए 2, सेम एज इट इज इसका बनाना, पहले में 2, अगले में 8 और तीसरे वाले में कितने आए 1। ऐसे शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉनों को बांटना होता है, सही है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब मैं आपको एक चीज यहां से क्लियर करूंगा, शेल के अंदर मेरे ख्याल से आपको बांटने आ गए हैं इलेक्ट्रॉन, पहले में 2, अगले में 8 और उससे नेक्स्ट जितने भी आए सब में 8 8 8 8 लेके चलना है। वैसे ये सचिन ये थोड़ा सा अलग भी है, लेकिन हम डीप में नहीं जाएंगे, सिर्फ मैं क्वेश्चन को फोड़ना सिखा रहा हूं तुम्हें। देखो यहाँ पे क्या हो गया, जैसे अब देखो मैंने लिख दिया सोडियम, फिर से लिखा मैंने सोडियम, सोडियम के कितना 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
11 और इसको बांटेंगे पहले में 2, दूसरे में 8 और फिर 1, क्योंकि हमारे पास यहाँ तक तो 10 हो गया और फिर आ गया 1 और हो गए 11, सही है ना। तो 8, 10, 11, फिर लिया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का होता है 12 इलेक्ट्रॉन, तो डालेंगे 2, फिर 8 और फिर 2, डन हो गया, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे मान लो क्लोरीन ले लिया, क्लोरीन में कितना आ गया, क्लोरीन का होता है बेटा 17 होता है, इसको बांटो 2, 8 और 7। अब कैसे हुआ, यहाँ तक तो हमारे 10 हुए और प्लस 7 = 17, 17 हो गया, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बोलो। यहाँ पे मैक्सिमम, इस वाले में भी मैक्सिमम 8 आ सकते थे ना, लेकिन हमारे पास 7 ही बचे थे तो मैंने 7 ही डाले हैं यहाँ पे, आ गया होगा समझ में, क्लियर है, ठीक है। अब जैसे ये तो हो गया हमारा क्लोरीन, इसके अलावा मैं और कोई भी ले सकता हूँ, चलो बताओ कोई और क्या लें, आर्गन ले लो, चलो आर्गन ले लिया मैंने, आर्गन का होता है 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं आर्गन के अंदर, इसके बांटो पहले में 2, अगले में 8, इसमें भी 8, इसमें तो पूरे ही हो गए, कोई दिक्कत ही नहीं हमें, क्या हो गया। फिर फॉस्फोरस ले लिया, 15 हो गया, फॉस्फोरस में बांटो 2, 8 और ये हो गया 5, डन है, आगे ना बांटने, पहले ये बांटने सीखो फिर ये, और ये क्लियर है, देखो अब क्या होगा। अब आपको एक चीज याद रखनी है यहाँ पे, क्या जैसे ये देखो लास्ट में इनमें आपको देखेंगे, इसमें देखो कि जो लास्ट शेल है, लास्ट कक्ष है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसके लास्ट कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, याद रखना लास्ट शेल में, लास्ट शेल यानी कि आखिरी आखिरी कक्ष में अगर इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन आखिरी कक्ष में अगर इलेक्ट्रॉन 4 या 4 के 4 से कम, या लिखो 4 से कम या 4 के बराबर, 4 के इक्वल हैं, तो है तो वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही होगा, वही नंबर होगा, वही नंबर होगा। अब ध्यान से देखो, वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं संयोजी, संयोजकता बोलते हैं, वैलेंसी को क्या बोलते हैं, संयोजकता, और इसको क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन, हिंदी में बोलते हैं इसको, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब यहां आप देखिए एक बारी, मैंने क्या कहा, एक बार फिर से पढ़िए, एक बार रूल को पढ़िए, लास्ट शेल में आखिरी कक्ष में, लास्ट शेल में या आखिरी कक्ष में अगर इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से कम, 4 से कम, अगर इलेक्ट्रॉन 4 से कम या 4 के इक्वल हैं तो वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही नंबर होगा। फिर से पढ़ो एक बार, लास्ट शेल में या आखिरी कक्ष में अगर इलेक्ट्रॉन 4 से कम या 4 के इक्वल हैं तो वैलेंसी यानी कि संयोजकता, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन वही नंबर होगा। अब यहाँ ये देखिए, सोडियम में लास्ट कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं, 1, तो इसमें आपकी वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों क्या हो जाएंगे, बताओ, वैलेंसी हो जाएगी 1 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 आ गया, क्योंकि ये 4 या 4 से कम है। इसके बाद मैग्नीशियम देखिए, मैग्नीशियम में लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दो नंबर भी 4 से कम है या 4, तो वैलेंसी भी 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2, सही है। इसके अलावा अगर मैं इसके अलावा अगर हम और कुछ ले लें, जैसे एल्यूमिनियम ले लूं मैं, यहाँ देखो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का 13 होता है एटॉमिक नंबर, यानी कि 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं एल्यूमिनियम में, पहले में 2 बटे, अगले में 8, 10 हो गए, बच गए कितने, 3, 3 नंबर लास्ट कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, 3 भी क्या है 4 से कम, तो क्या आ जाएगा बताना, 2 ही वैलेंसी आएगी और 2 ही आपकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे, यानी कि वैलेंसी वही है संयोजकता और ये आपकी संयोजी इलेक्ट्रॉन, डन है, क्लियर है ना, इतना आ गया होगा समझ में, वेरी गुड, चलो ये बात पक्की आगे हो गया आपको। चलो एक और ले लेता हूँ, एक और लेते हैं, चलो एक और ले लिया, जैसे मैंने कार्बन ले लिया, कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर होता है, 6 इलेक्ट्रॉन, पहले में 2, अगले में 4, अब फिर से देखो लास्ट कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो आपको वैलेंसी कितनी होगी बताना, वैलेंसी भी आ गई 4 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4, सही है। जैसे मैंने एक और ले लिया, चलो ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 2 बटे यहाँ और 6 यहाँ, तो अब 6 है लास्ट कक्ष में, 6 क्या है, 4 से ज्यादा नंबर है, 4 से ज्यादा है ना, तो 4 के बराबर है ना ही 4 से कम, 6 4 से ज्यादा, तो अब एक नया रूल आपको लिखवाऊंगा मैं। जैसे यहां देखो लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 नंबर 4 से ज्यादा है, 8 4 से ज्यादा है, 5 भी 4 से ज्यादा है, तो आप इसको ऑर्गन को हटा दीजिए, अभी इसके बारे में नहीं बताएंगे। फॉस्फोरस ले लिया, 5 भी 4 से ज्यादा है, यानी कि ये सिर्फ ये पहला रूल जो है सिर्फ 4 वाले पे लगेगा, जिसका 4 हो या 4 से कम हो। दूसरे वाले रूल को मैं यहां लिखता हूं, देखो अगर लास्ट शेल जिसको मैंने बोला है आखिरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी कि नंबर इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से ज्यादा है, तो
ज्यादा है तो वैलेंसी, तो वैलेंसी कमी होगी, वैलेंसी या फिर ये लिखे वैलेंसी वह संख्या होगी, वह संख्या होगी जो उसे आठ बना देगी, जो उसे आठ बना देगी या फिर एट कर देगी। सही है। अब देखो सीधी सी बात है, और वैलेंसी तो ये होगी, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे जो हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे जो मौजूद है वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। अब यहां देखिए एक बारी, चलिए आइए इसको हटा देता हूं यहां से। अब देखो यहां पे इस रूल को पढ़ो एक बार सारे, पढ़ लिया सबने, पढ़ लिया, आठ इलेक्ट्रॉन है, वेरी गुड, डन है, पॉज करके पढ़ लो एक बार। तो देखो दो और ये आ गया छह, लास्ट में कितने कक्ष में, छह इलेक्ट्रॉन। अब मैंने कहा अगर लास्ट शेल में या आखिरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या चार से ज्यादा है तो वैलेंसी वह संख्या होगी जो उसे आठ बना देगी या एट कर देगी। अब देखो वैलेंसी क्या है, जो इसे आठ बना दे वह संख्या कौन है, इस आखिरी कक्ष को छह जो दिया गया है इसको आठ बनाना है मुझे, दो जोड़ दूं तो आठ बन जाएगा, तो ये जो दो तुमने जोड़ा ये आपकी वैलेंसी होगी, जो आठ बनाने के लिए जो दो तुमने ऐड किया ये वैलेंसी होगी। यहां पर देखिए इसमें देखो आप सेवन है, इसको आठ बनाने के लिए क्या जोड़ू मैं आखिरी कक्ष में, एक, तो ये आपकी जो एक जोड़ा आपने आठ बनाने के लिए एक, ये आपकी वैलेंसी होगी। और वैलेंसी को बार बार नहीं बताऊंगा मैं, आप याद रखो संयोजकता क्या होती है, संयोजकता, क्या बोलते हैं वैलेंसी को, संयोजकता बोलते हैं हिंदी में। डायरेक्ट क्वेश्चन बच्चों यहां से, दोस्तों मेरे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, एक और लेता हूं मैं, डन है, और ये तो होगी संयोजकता। एक चीज और, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो ये मौजूद है ना आखिरी में नंबर यही रहेगा, यानी कि छह हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए छह, इसमें कितने हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन सात, डन है, रूल आ गया, हटाता हूं। देखो यहां से ये देखो फॉस्फोरस लिख दिया मैंने, 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 15 एटॉमिक नंबर होता है, इसको बांटो पहले में दो अगले में आठ फिर आ गया पांच, यहां तक तो 10 हो गए ना, फिर प्लस करेंगे पांच 15 पूरे आ गए, सही है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, 15 हो गए। अच्छा आप देखो इसको लास्ट कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, और मैंने क्या कहा अगर लास्ट शेल में आखिरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से ज्यादा है तो वैलेंसी वह संख्या होगी जो उसे 8 बना देगी यानी कि 8 कर देगी। 8 करने के लिए इसे 3 से जोड़ना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा, जो नंबर तुमने ऐड किया ये आपकी वैलेंसी होगी, क्या होगी वैलेंसी, जिसको आप क्या बोलेंगे संयोजकता, ठीक है। और ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन में मौजूद इलेक्ट्रॉन है ये बात याद रखनी है, मौजूद इलेक्ट्रॉन ये क्या होंगे, ये होंगे आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या होंगे बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसको आप संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, क्या बोलेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन आप इसको नाम देंगे। मेरे ख्याल से बात आ गई, एक आपको देता हूं इसको आप करके दिखाएंगे, चलिए आपकी बारी आ गई है, अरे हमारा डस्टबिन गया, चलो एक बार फिर से आपको दूं, कौन सा दूं, नाइट्रोजन ले लो, नाइट्रोजन का होता है 7, चलो बताओ ट्राई करो एक बारी कितने इसकी वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, करो ट्राई, पॉज किया, चलो ठीक है आओ देखो, पहले में दो अगले में 5, अब वही है ये 5 क्या है 4 से बड़ा नंबर, इसको 8 करने के लिए मैं क्या करूंगा 3 जोड़ूंगा, तो अब देखो ये हो गया पूरा 8, ये जोड़ा जो आपने 8 करने के लिए ये तो होगी वही वैलेंसी यानी कि संयोजकता, और ये मौजूद इलेक्ट्रॉन क्या हो गए आपके बताना, बताओ जल्दी संयोजी इलेक्ट्रॉन, क्या हो गए संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मेरे ख्याल से आ गया, ये जो दो रूल मैंने तुम्हें बताया इन दो रूलों को याद रखना और इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना, आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा यहां से कि जैसे फॉस्फोरस दे दिया मैंने आपको या फिर अभी नाइट्रोजन दिया है, नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप बताएंगे 5, कितने नाइट्रोजन में 5, जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और कमी को पूरा करना है तो आप 3 जोड़ा तो ये कमी पूरा करने के लिए ये वैलेंसी हो गई आपकी, ये तब है जब आपका नंबर लास्ट कक्ष में मौजूद इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा होंगे, अगर 4 से कम है या 4 के बराबर है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वही नंबर उठा के लिख दो वही वैलेंसी और वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि वही संयोजी इलेक्ट्रॉन और वही संयोजकता। लेकिन अगर 4 से ज्यादा आए तो मौजूद इलेक्ट्रॉन आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे और उसकी कमी यानी कि उस नंबर को 8 बनाने के लिए जो ऐड करोगे वो आपकी संयोजकता होगी। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे बड़े ही धमाकेदार अच्छे टॉपिक के साथ। अगर आपको किसी पर्टिकुलर वीडियो पे पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे जरूर बताएं, मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।